टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे मैच में अपने ओडीआई कैरियर का पहला शतक जड़ दिया है। उन्हें कप्तान रोहित शर्मा की जगह पर टीम में शामिल किया गया था और उन्होंने इस मौके का दोनों हाथों से फायदा उठाया। उन्होंने 85 गेंदों पर शतक पूरा किया। उन्होंने इस पारी में 14 चौके और 2 छक्का लगाया। ये ईशान किशन के करियर का पहला शतक है। इससे पहले उनका उच्चतम स्कोर 93 रन था। इतना ही नहीं, वह विराट कोहली के साथ इस मैच में 100 से ज़्यादा रन की साझेदारी भी पूरी कर चुके हैं। किशन ने 24वें ओवर में आफिफ हुसैन की गेंद पर चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। चलिए अब हम आपको वो शॉट दिखाते हैं जिसपे ईशान किशन ने चौका मारकर अपना शतक पूरा किया। लेकिन इससे पहले अगर आप भारतीय टीम के फैन हैं तो दिल से कर दें एक लाइक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि आफिफ हुसैन ओवर द विकेट आके बॉल डालते हैं, उनके पैड पे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईशान किशन बहुत सूझबूझ के साथ इसको स्विप मार देते हैं और बाउंड्री सीधा सीमा रेखा के पार चली जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि विराट कोहली का स्कोर 42 है और ईशान किशन का 97। इस शॉट के बाद ईशान किशन का शतक हो जाता है और वो अपना सेलिब्रेशन बहुत ही एग्रेशन तरीके से करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ईशान किशन काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिल रहा था और मौका मिला, उन्होंने दोनों हाथ से फायदा उठाया। उसके बाद विराट कोहली भी आके ईशान किशन को गले लगा लेते हैं और सर पे हाथ रखकर उनको शाबाशी भी देते हैं। विराट कोहली को भी पता है कि टीम को यार मैच जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद ईशान किशन पूरे ग्राउंड में सेलिब्रेशन करते हैं और आप यहां देख सकते हैं उनका स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा है। ये ईशान किशन की पारी देखकर आपको कैसे लगी जरूर कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।